नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आज शनिवार है, आज डबल हेडर का मैच होने वाला है IPL में। और पहला जो मैच अभी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ वर्सेस गुजरात टाइटंस का, तो उसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आई होप आपको पसंद भी आ रही है टीम। तो अभी हम बात करने वाले हैं मुंबई वर्सेस पंजाब की मैच पे। जी हाँ, जो दूसरा मैच है आज शाम में होने वाला, बड़ा मैच है दोस्तों, मुंबई वर्सेस पंजाब, जहाँ पे शिखर धवन की टीम वर्सेस शर्मा की टीम भिड़ने वाली है। तो दोस्तों, जिस मैच की बात कर रहा हूँ ये वाला मैच है, तो इसके हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं दोस्तों। अराउंड 10 कॉम्बिनेशंस के आसपास मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जो कि सबसे बेटर कॉम्बिनेशन आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं मैच को। और जैसे कि आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी टीम्स आपके लिए क्रिएट करके रखता हूँ, ताकि आपका कम समय ज़ाया हो दोस्तों टीम्स देखने में। तो चलिए हम टीम्स पे चलते हैं। माय टीम से मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखे हैं, तो पहले कॉम्बिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज भी सिलेक्ट किए और 2 विकेट कीपर। तो देखिए दोस्तों, विकेट कीपर में कैसा, ईशान किशन तो बंदा अच्छे फॉर्म में, और प्रभा सिमरन सिंह ने जो पिछले मैच में पारी खेली उसने काफ़ी इम्प्रेस किया है सबको, क्योंकि एक भले ही वो हार के कॉज में आई दोस्तों, बट एक अच्छी पारी उनकी रही थी। तो ईशान किशन, प्रभा सिमरन सिंह, ये दोनों कीपर मैं लूंगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा, तीनों मुंबई के बैट्समैन रहेंगे हमारे पास। 2 ऑलराउंडर्स, लिविंगस्टन और सैम कुरन, ये दोनों ऑलराउंडर हमारे पास पंजाब की तरफ से, और क्रिस ग्रीन, जी हाँ, ये मुंबई की तरफ से ऑलराउंडर हम शामिल कर लेंगे। तो पीयूष चावला, बेहरन डफ और अर्शदीप सिंह, इन तीनों गेंदबाजों को मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं सैम कुरन। तो ये रहेगा दोस्तों अपना पहला कॉम्बिनेशन। अभी एक बात बता दूं दोस्तों, टीम में चेंजेस हो सकते हैं। ऑफकोर्स हमारे जो गब्बर है शिखर धवन, इनके आने के चांसेस है, बट अभी तक वो कन्फर्म नहीं है, इस वजह से मैंने शायद से किसी भी टीम में उनको शामिल नहीं किया। बट ऑफकोर्स आपको याद रखना है, अगर गब्बर शामिल होते हैं तो आपको एक आध चेंज टीम में ज़रूर करना है और उनको ज़रूर शामिल कर लेना है टीम में। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला कॉम्बिनेशन बनता है। चले नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक बल्लेबाज, एक विकेट कीपर हमारे पास है, 4 बल्लेबाज वो भी पूरे मुंबई के हमारे पास है। तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डेविड वर्मा, तिलक वर्मा भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, इनको भी मैं शामिल हर जगह करूंगा। मैथ्यू शॉट को यहाँ पे शामिल किया है, लिविंगस्टन, सैम कुरन, तो 3 जो ऑलराउंडर है देखिए दोस्तों, ये पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। और फिर से ग्रीन जो मुंबई के ऑलराउंडर है उनको मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। बेहरन डफ और अर्शदीप सिंह, ये दोनों तेज़ गेंदबाजों को मैंने शामिल किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक बात बता दूँ, मोस्टली कहीं पर भी देखिए, मैंने सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ग्रीन, सैम करन, ओके, और अर्शदीप सिंह, इनको कहीं पे भी मैंने शायद से ड्रॉप नहीं किया होगा, और इवन तो ईशान शर्मा भी। तो अभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 5-6 प्लेयर हैं इनको आपको टीम में शामिल रखना है, और जो दाव खेलना है, लेट से कुछ दाव खेलना है, तो आप अलग प्लेयर्स पे, दूसरे प्लेयर्स पे खेल सकते हैं, बट इनको आपको शामिल रखना ही है, क्योंकि ये मैच विनर प्लेयर है दोस्तों। और अगर खेल गए तो आपकी, और आपने शामिल नहीं किया, तो आपकी टीम का नक्शा ये ज़रूर बिगाड़ दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरी टीम के पास चलते हैं। तो टीम थ्री में देखिए, आपको फिर से कुछ सेम चेहरे ऑफकोर्स नज़र आने वाले हैं, बट यहाँ पे चेंजेस क्या है देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक विकेट कीपर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जितेश शर्मा को हमने ऐड कर लिया है। मैथ्यू शॉट है, अर्शदीप है, रिविंगस्टन, कुरन, ग्रीन, तो बाकी और एक चेंज हमारे पास नया मिलेगा, शाहरुख खान, जो कि थोड़ा लेट आ रहे हैं दोस्तों, पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा एक बड़ा इनिंग उनसे आया नहीं, तो आज के मैच में हम देख सकते हैं उनसे एक बड़ा इनिंग आता हुआ, तो उनको भी मैंने शामिल कर लिया है। तो ये 2 चेंजेस रहेंगे। बाद में ईशान किशन है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऑफकोर्स शाहरुख खान, वाइस कप्तान मैंने जो बनाया तिलक वर्मा को बनाया, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, कुरन, ग्रीन और अर्शदीप सिंह। तो ये हो रही है दोस्तों तीसरी टीम, जिसमें देखिए कप्तान सैम कुरन और वाइस कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। तो सैम कुरन एक बेटर, अच्छा ऑप्शन कप्तानी के लिए, इस वजह से दोस्तों, क्योंकि बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं। बहुत ऐसा मैच विनिंग उनका, एक तो बॉलिंग भी नहीं हुआ, बैटिंग भी नहीं हुआ, बट एक अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों, इस वजह से हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। और ऑफकोर्स तिलक वर्मा बहुत अच्छे टच में है, तो इन पे भी हम ज़रूर भरोसा दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली टीम की ओर बढ़ते हैं। तो ओके, यहाँ ठीक है,
तो दोस्तों ठीक है, चौथी टीम के पास मैं जा रहा हूँ, आपको चौथी टीम बता रहा हूँ। अभी देखिए वापस यहाँ पे मेरे पास ईशान किशन है, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शाहरुख खान, तिलक वर्मा, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, सैम कुरन, क्रिस ये ग्रीन कैमरून है, क्रिस मुझे याद नहीं सॉरी बट ग्रीन, ऋतिक शौकीन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है और अर्शदीप सिंह। तो यहाँ पे देखिए ऐड कौन हो रहा है, नया बंदा ऋतिक शौकीन है कि ऐड हो रहा है, मैंने शाहरुख खान को यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है दोस्तों, मैथ्यू शॉट भी यहाँ पे कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों ये एक टीम बन रहा है और कप्तान वाइस कैप्टन की चॉइस आप देख सकते हैं ईशान किशन, जो कि एक अच्छे टच में और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और लियाम लिविंगस्टन जिन पे मैं भरोसा जता रहा हूँ दोस्तों, पिछले मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे बट ऑफकोर्स काफ़ी दिनों के बाद मैच के लिए उतरे थे, इस वजह से मैं पिछला कंसिडर नहीं करूँगा, आज आशा है कि आज कुछ अच्छा करें, इस वजह से मैंने उनको वाइस कप्तान किया है। तो देखिए दोस्तों एक मुंबई एक पंजाब का कप्तान वाइस कप्तान करोगे तो बेटर रहेगा, या फिर पूरा पेयर अगर आपको ओपनिंग पेयर को वाइस कप्तान कप्तान करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो कि हम आगे भी देखने वाले। तो ठीक है दोस्तों अगली टीम के पास चलते, फिफ्थ जो टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास फिर से मैंने प्रभा सिमरन सिंह को शामिल कर लिया, अभी ये मोस्टली इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह आ रहे बट बैटिंग अच्छा किया इस वजह से हमने उनको शामिल कर लिया है। यहाँ पे देखिए पीयूष चावला आ गए हमारे पास, और बाकी टीम अराउंड और टीम डेविड सॉरी, ये एक बंदा है जो कि एक बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा है, ज़्यादा चांस भी नहीं मिल रहा है वैसे बैटिंग का, बट एक बंदा है जिसमें बहुत एबिलिटी है और वो रन बना सकता है, तो थोड़ा सा जो एक इम्पैक्ट प्लेयर हमारे लिए हमारी टीम्स के लिए शामिल हो सकते हैं, तो इन तीनों के पास आपको जा सकते हैं। बाकी तो देखिए इन सबको शामिल सब टीमें करने वाली है, तो आपको कोई ऐसा प्लेयर देखना है जो कि आपको बड़ा ग्रैंड लीग जिताने में मदद कर सके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर सके। तो ठीक है दोस्तों ये टीम रहेगा, ईशान किशन, पी सिंह, रोहित शर्मा, टीम डेविड, तिलक वर्मा, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, सैम कुरन, ग्रीन, पीयूष चावला, अर्शदीप सिंह। तो कप्तान हमारे हैं मैथ्यू शॉट, और यहाँ पे वाइस कप्तानी मैंने पीयूष चावला को दी। ऑफ कोर्स दोस्तों आपको अगर ठीक नहीं लगता है तो आप जा सकते हैं और ऑफ कोर्स टीम को चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने मेरे हिसाब से क्रिएट किया, मेरे नॉलेज के और मेरे एनालिसिस के हिसाब से टीम्स क्रिएट हुई है दोस्तों, क्योंकि अच्छा स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है आज का, तो इसी वजह से मैंने पीयूष चावला को यहाँ पे वाइस कप्तान बनाया। मैथ्यू शॉट थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर लेते और बैटिंग में ओपनिंग आ रहे हैं और अच्छे रन भी बना रहे, इस वजह से कप्तानी का एक अच्छा ऑप्शन वो भी हमारे लिए बन जाते हैं। तो चलिए अगली टीम की चलते हैं, सिक्स्थ टीम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं अब इसको। अभी ऑफकोर्स यहाँ पे और जो चेंजेस, यहाँ पे हमारे पास जितेश शर्मा ऐड हो रहा है, और देखा जाए तो यहाँ पे बेरेंडॉफ, ये एक बंदा एक बॉलर ऐड हो रहा है, यहाँ पे शायद से ये एक अकेला टीम होगा जहाँ पे मैंने अर्शदीप को शामिल नहीं किया है, ज़्यादा बॉलिंग पे मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। तो जितेश शर्मा, ईशान किशन, पी सिंह, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, सैम कुरन, क्रिस ग्रीन और बेरेंडॉफ, ये मेरे 11 प्लेयर्स है दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए कप्तानी के लिए मैं गया हूँ क्रिस ग्रीन पे, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की थी दोस्तों, और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जो ऑफकोर्स अच्छे टच में नहीं दिख रहे बट आपको पता है स्काई क्या कर सकता है, तो इसी वजह से आप उन पे भी दाव लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों मुंबई के प्लेयर्स है दोस्तों, अगर मुंबई का अच्छा बैटिंग होता है तो दोनों ज़रूर हमें पॉइंट्स देने वाले, भर भर के पॉइंट्स देने वाले, तो ज़रूर आपको अगर यहाँ पे भी कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बट ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं, ऑफकोर्स अच्छी टीमें जा रही है, आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे एनालिसिस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टीम सेवन की तरफ रुख करते हैं, यहाँ पर ईशान किशन, पी सिंह, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेविड, फिर से डेविड को इन किया है, तिलक वर्मा है हमारे कप्तान है यहाँ पे, मैथ्यू शॉट्स, लिविंगस्टन, सैम कुरन, ग्रीन और अर्शदीप सिंह। तो देखेंगे आप यहाँ पे भी एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये चारों जो ऑलराउंडर है अराउंड सब जगह मेरे पास दिख रहे हैं, क्योंकि इनका है दोस्तों ये एक बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और गेंदबाजी में भी चांस मिल रहा है। अभी देखिए लिविंगस्टन, शॉट और ग्रीन तो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग को आ रहे हैं, और सैम कुरन तो अभी फिलहाल शिखर धवन नहीं, इस वजह से कप्तानी कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपना जो ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कप्तान हमारे हैं दोस्तों तिलक वर्मा, और वाइस कप्तान मैंने सिलेक्ट किया है प्रभा सिमरन सिंह को, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी जैसे कि, बट ऑफकोर्स अब अगर आपको प्रभा सिमरन सिंह वाइस कप्तान के लिए ठीक नहीं लग रहा है तो आप किसी और ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जो कि मैथ्यू शॉट भी हो सकते हैं या फिर रोहित शर्मा भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सब सेम टीम लगाएंगे तो ऑफकोर्स जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और टीम नंबर 8 पे जाते हैं। टीम नंबर 8 पे देखिए यहाँ पे
जितेश शर्मा को ऐड किया है मैंने यहाँ पे, नए एडिशन ईशान किशन है, रोहित शर्मा, हरपाल सिंह भाटिया, ये बंदा भी अच्छा खेल रहा है दोस्तों। अगर अगर शिखर धवन ही होते तो शायद से बाहर का रास्ता हरपाल सिंह को ही दिखेगा, इस वजह से इनको मैंने ज़्यादा जगह पे शामिल नहीं किया है। तो सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, सैम कुरन, क्रिस ग्रीन और अर्जुन तेंदुलकर को यहाँ पे शामिल किया है मैंने, जिन्होंने पिछले मैच में एक विकेट भी चटकाया था और अच्छी गेंदबाजी भी की थी। गेंदबाजी दोनों मैचों में अच्छी रही उनकी, बट विकेट सिर्फ पिछले मैच में, वो भी लास्ट बॉल पर मिला है। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन इतना उनमें अभी तक नहीं दिखा है, बट ऑफकोर्स गेम बाय गेम में भी इम्प्रूव हो सकते हैं, तो इस वजह से कहीं तो उनको हम ले सकते हैं, एक दाव उन पे भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑलराउंडर को मैंने कप्तान वाइस कप्तान बनाया है, तो कप्तान मेरे पास बन रहे क्रिस ग्रीन और वाइस कप्तान मेरे बन रहे सैम कुरन। तो ये हो गई दोस्तों हमारी 8 नंबर की टीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th टीम में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जितेश शर्मा को मैं कप्तान बना रहा हूँ, वाइस कप्तान ऋतिक शौकीन, जिनको मैंने अभी ऐड भी किया है और उनको डायरेक्टली वाइस कप्तान भी बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर स्पिनिंग ट्रैक रहा तो ऋतिक शौकीन की शायद से बल्लेबाजी भी आए और गेंदबाजी तो वैसे भी वो अच्छी कर ही रहे। तो जितेश शर्मा, रोहित शर्मा, दोनों शर्मा जी, सूर्य कुमार यादव, लिविंगस्टन, स्कुरन, ग्रीन, शौकीन, चावला, बेरेंडफ, राहुल चहर, अगर स्पिन ट्रैक रहा तो राहुल चहर भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, और नैथिन इलियस अगर रबाड़ा आते हैं तो शायद से इनको बाहर जाना पड़े, बट फिर भी कहीं पे तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, और जब भी टीम डिक्लेयर होंगे तब हम रन टाइम चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। तो ये रहेगी दोस्तों 9th टीम, जिसमें कप्तान जितेश शर्मा बन रहे, वाइस कप्तान ऋतिक शौकीन बन रहे। तो चलिए लास्ट एक कॉम्बिनेशन में आपको दिखा रहा हूँ तुरंत, जहाँ पे मैं आशा कर रहा हूँ कि दोस्तों आज गब्बर ठीक हो जाएंगे, उनका इंजरी ख़त्म होके वो वापसी करेंगे और ज़रूर खतरनाक वापसी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगली टीम जो दिखा रहा हूँ मैं, ईशान किशन, रोहित शर्मा, यहाँ पे मैंने धवन को इंक्लूड किया है, यस यादव, सूर्य कुमार, स्काई और तिलक वर्मा, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, सैम कुरन, ग्रीन, देखिए फिर से ये चारों कॉमन रहे, मेरिडिथ को यहाँ पे शामिल किया जो कि इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ आ रहे हैं दोस्तों, और विकेट तो चटका ही रहे, और ऑफकोर्स अर्षदीप सिंह। तो कप्तान यहाँ पे धवन और वाइस कप्तान अर्षदीप सिंह को किया है दोस्तों। अगर चेंजेस होते हैं, धवन नहीं आते, तो ऑफकोर्स आपको एक चेंज यहाँ पे करना पड़ सकता है, और बाकी तो रिलीव मेरिडिथ सब्स्टिट्यूट की तरफ आ रहे हैं, तो आप उन पे भी दाव खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते ये आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट को खिलाए ही ना, तो इसी वजह से थोड़ा ये रिस्की डिसीजन है अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा, ठीक है ये टीम है, बट सजेशन ऐसे रहेगा कि जो प्लेइंग 11 में उसी से टीम बनाओ, क्योंकि आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो या माई 11 सर्कल पे खेल रहे हो तो आप टीम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, एक रन टाइम टीम भी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं ईशान किशन को ज़रूर लूँगा दोस्तों। अभी यहाँ पे आएंगे धवन, अगर आते धवन शामिल हो रहे हैं मेरे इस टीम में, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, वर्मा, यहाँ पे मैं इनको ड्रॉप नहीं करूँगा, इन चारों में मैं कहीं पे भी कुछ कंजूसी नहीं करने वाला हूँ, उनको रखने वाला हूँ। लिविंगस्टन, कुरन, ग्रीन और यहाँ पे मैथ्यू शॉट, अगर सिकंदर रजा आते हैं दोस्तों तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं, और ये चार मैं ऑलराउंडर अभी के लिए रख रहा हूँ। अगर बॉलिंग की तरफ जाया जाए तो अर्षदीप सिंह ऑफकोर्स मेरा बॉलर अर्षदीप रहने वाला है, और यहाँ पे बेरेंडॉफ की तरफ मैं जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, या फिर आप अगर चाहे तो ब्रार की तरफ भी जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, पर बंदा का प्रॉब्लम है कि दोस्तों कंसिस्टेंट नहीं है, और प्लस पॉइंट है ये, तो माइनस पॉइंट हो गया कंसिस्टेंसी नहीं है, बट प्लस पॉइंट ये है कि बंदा बैटिंग भी कर सकता है, बट ब्रार की जगह पर मैं तो अभी के लिए मेरेडिथ के पास, बेरेंडॉफ के पास ही जाऊंगा दोस्तों। अगर दूसरे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, पंजाब की टीम से मैं शायद से आज कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको रन टाइम ही पता चलने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे कप्तान वाइस कप्तान, अगर शिखर धवन वापसी करते हैं तो मेरे लिए वाइस कप्तान शिखर धवन रहेंगे यहाँ पे, और कप्तान मेरे लिए तिलक वर्मा रहेंगे इस टीम के लिए, या फिर ग्रीन के पास भी आज आप कप्तान जा सकते हैं, क्योंकि बंदा बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा कर रहा है, और या फिर तिलक वर्मा के साथ आप जा सकते हैं। तो वाइस कप्तान धवन रहेगा यहाँ पे मेरे लिए, अगर ये टीम होती है, धवन इन करते हैं तो, या फिर चेंजेस हम रन टाइम कर सकते हैं, तो ये भी सेव कर लूँगा दोस्तों। एक बार इस टीम का भी रिव्यू करा देता हूँ, जो कि आई थिंक सो 11वां टीम बन गया। बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने आपको दिखा दिए दोस्तों, ऑफकोर्स इसमें से अराउंड 80-90% कॉम्बिनेशन तो अच्छे जाती है, एक आध कॉम्बिनेशन होता है जो रिस्की हो जाता है दोस्तों, और थोड़ा बहुत मे बी कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आप जितना पैसा लगा रहे हो मे बी वो भी वापस ना, एक दो कॉम्बिनेशन के लिए तो उतना हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि रिस्क लोगे तभी बड़ा जीतोगे।
तो ठीक है दोस्तों, ये सारे कॉम्बिनेशन थे हमारे आज के टीम के लिए। आई होप आपको हमारी टीम्स पसंद आई होगी। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रन टाइम टीम्स देख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको टीम्स मिल जाएंगी दोस्तों। दो तीन टीम कॉम्बिनेशन में रन टाइम भी आपको दिखा देता है वहाँ पे, और आप भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। बट जो बड़े प्लेयर जिनका नाम मैंने बताया, उनमें ज़्यादा चेंजेस मत करिए। अगर चेंजेस करेंगे और वो खेलते हैं तो आपको मैच वो हरा देंगे। इसी वजह से ज़्यादा बड़े चेंजेस मत कीजिए दोस्तों, और एक दो चेंजेस तो करना बनता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली मैच पे, अगले वीडियो पे, अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।